हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 20th मार्क, कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, हु इनोग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इस काइंड ट्राइब इंडिया जीआई महोत्सव एट लबासना मसूरी। किसने इनोग्रेट किया पहला इस काइंड का ट्राइब इंडिया जीआई महोत्सव को लबासना मसूरी में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो कि यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, उन्होंने इनोग्रेट किया है ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना मसूरी उत्तराखंड में। यह पहला इस काइंड का एग्जीबिशन है जो कि फीचर्स करेगा जीआई प्रोडक्ट को अक्रॉस इंडिया के लिए। जो ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव है, ये इनवेल्युएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसमें कोलेबोरेशन है लबासना मसूरी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। पर्पज जो है ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव का क्या है, तो इंक्रीज करना अवेयरनेस जीआई टाइप प्रोडक्ट को लेकर और सेंसिटाइज करना उनको, रिच कल्चर हेरिटेज जो है इंडिया का इसके बारे में बताना, ताकि फॉर्मुलेट किया जाए पॉलिसी को जो कि सेफगार्ड करेगा इंटरेस्ट जीआई प्रोडक्ट का इस रीजन पे। अब हम कुछ फैक्ट को कंसीडर करेंगे। ट्राइफेड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण कृष्णा है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो ऑप्शन में मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को संभाल रहे हैं। नितिन जयराम गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को संभाल रहे हैं। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 20th मार्च। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग 11 ACTCM बैरेज। किसने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट के साथ ताकि कंस्ट्रक्ट किया जा सके 11 ACTCM बैरेज को? आपका ऑप्शन है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी इंडियन नेवी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए 11 एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल ACTCM बैरेज का, थाने बेस MSME जो है सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये जो MSME है वो स्टार्ट करेगा डिलीवर करना बैरेज को 22 मई 2021 से। असाइन करते हुए इस प्रोजेक्ट को माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को, ये एक अनदर माइलस्टोन होगा इंडियन गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत के लिए और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। इंडियन नेवी जो है वो इंडक्ट करेगा ACTCM बैरेज को, अंडरटेक करेगा इस मिशन को कि इम्बार्क किया जाए और डिसइम्बार्क किया जाए एम्युनिशन टॉर्पीडो और मिसाइल्स को। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रताप चंद्र सारंगी, इंडियन नेवी कमांडर इन चीफ इंडियन नेवी के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है एडमिरल करमवीर सिंह है, और इसका जो मोटो है साम नो वरुणा, छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इंडियन आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वर्चुअली इनोग्रेटेड मैत्री सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ओवर फेनी रिवर। किसने वर्चुअली इनोग्रेट किया है मैत्री सेतु ब्रिज को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फेनी रिवर के ऊपर? तो इसमें क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से भी किया जा सकता है कि जो मैत्री सेतु ब्रिज है वो किस किस कंट्री के बीच में है, वह किस रिवर के ऊपर है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है, फेनी रिवर के ऊपर है। अब हम क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनोग्रेट किया मैत्री सेतु को जो कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज है, वर्चुअली इंडिया और बांग्लादेश के लिए फेनी रिवर के ऊपर साबरू मीन साउथ त्रिपुरा पे। ये जो इवेंट है ये इनोग्रेट किया गया था, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 8 अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो कि टुगेदर इसका वर्थ होगा 3518 करोड़ का। मैत्री सेतु ब्रिज जो है 1.9 किलोमीटर लॉन्ग है जो कि कनेक्ट करता है त्रिपुरा इंडिया को रामगढ़ इन बांग्लादेश से। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट किया इस ब्रिज को, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट था वो 133 करोड़ था। तो किसने कंस्ट्रक्ट किया है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो ऑप्शन में आपका मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को संभाल रहे हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अलोंग विद RMI इंडिया रिलीज मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। किसने RMI इंडिया के साथ मिलकर रिलीज किया है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया रिपोर्ट को? आपका ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी अमेजोन, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग साथ साथ रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है RMI इंडिया, इसने रिलीज किया है मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया जो कि एक टूलकिट होगा सॉल्यूशन जो मिटिगेट करेगा रिस्क और एड्रेस करेगा मार्केट बैरियर को। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया।
ये जो रिपोर्ट है ये एनालाइज करेगा रिस्क को और मार्केट बैरियर को जो कि इन्वॉल्व है ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को, और प्रोवाइड करेगा टारगेट इंस्ट्रूमेंट ताकि ओवरकम किया जा सके इस हर्दल से। इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट साइज है वो 50 बिलियन US डॉलर का है, यानी 3.7 लाख करोड़ अप्रोक्स 2030 तक, जिसको कि इक्विवेलेंट है 80% करेंट मार्केट साइज के इंडिया का रिटेल व्हीकल फाइनेंस इंडस्ट्री का। अचीव करने के लिए इस टारगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन को जरूरत है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 266 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी के लिए 2030 के अंतर्गत 2030 तक अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एस्टैब्लिश किया गया था इसको 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इसके सीईओ अमिताभ कांत है और इसके वाइस प्रेसिडेंट जो है राजीव कुमार है। अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस है, हेडक्वार्टर सीटल वाशिंगटन यूएस में है। पेटीएम का सीईओ विजय शेखर शर्मा है, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वी हब कोलेबरेट विथ विच कंट्री टू लॉन्च वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ऑफ सर्च। वी हब ने कोलेबरेट किया है किस कंट्री के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके वुमेन इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम ऑफ सर्च को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। वी हब जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का इनिशिएटिव है, उसने पार्टनरशिप किया है ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके अफसल जो कि एक 12 वीक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम होगा जो कि कंडक्ट किया जाएगा भारत में। ये जो प्रोग्राम है टारगेट करेगा वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को ताकि मिनिमाइज किया जा सके फाइनेंशियल रिस्क को जब वो सेल करे नोवल प्रोजेक्ट को और अचीव करे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला इंटरनेशनल पार्टनर है वी हब का, वो जो है जॉइंटली लॉन्च करेंगे कम्युनिटी स्लेट प्रोग्राम को जो कि कंक्लूड किया गया था 2020 पे। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। वी हब इंडिया का पहला और ओनली स्टेट लेड इंक्यूबेटर है जो कि फोस्टर कर रहा है, प्रमोट कर रहा है वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को। इसके सीईओ दीप्ति राबुला है, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट जॉन मॉरिसन है, कैपिटल कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कैपिटल फ्रांस, करेंसी यूरो और सीएफपी फ्रैंक। जापान के पीएम योशीहिदे सुगा, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट प्रेजेंट बजट रिसेंटली एंड टर्म इज देशभक्ति बजट। किस स्टेट या यूपी के गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है बजट हाल ही में और उसको टर्म किया है देशभक्ति बजट के तौर पे। आपका ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है उन्होंने होल्ड किया फाइनेंस पोर्टफोलियो और प्रेजेंट किया स्टेट का बजट 2021-22 के लिए जिसका आउटलेट 69,000 करोड़ रखा गया है। उन्होंने टर्म किया इस बजट को देशभक्ति बजट के तौर पे क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो सेलिब्रेट करेंगे जो 25th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है 2021 को ट्रिब्यूट के तौर पर मैट ईयर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट का। ये दिल्ली में पहला पेपरलेस बजट है। दिल्ली बजट जो कि एलोकेशन इंक्रीज किया गया है 69,000 करोड़ तक 65,000 करोड़ जो कि पहले था। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल बांझ इनकम्प्लीट लाइफ ऑफ कम्प्लीट वुमेन। किसने ऑथर किया बुक जिसका टाइटल है बांझ इनकम्प्लीट लाइफ ऑफ कम्प्लीट वुमेन को। आपके ऑप्शन है रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन बी अल्फ्रेडो कोवेली, ऑप्शन सी सुष्मिता मुखर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुष्मिता मुखर्जी। एक्टर, स्क्रीन राइटर, प्ले राइट सुष्मिता मुखर्जी जो है उन्होंने ऑथर किया अपना सेकंड बुक जिसका टाइटल है बांझ इनकम्प्लीट लाइफ ऑफ कम्प्लीट वुमेन। ये जो बुक है ये कलेक्शन है 11 शॉर्ट स्टोरी का जो कि पोर्ट्रे करता है जो लाइफ है वुमेन का वेरियस सोशल बैकग्राउंड से। इस बुक को पब्लिश किया गया है रिडोमेनिया पब्लिशिंग के द्वारा। जो ऑप्शन था आपका रणदीप गुलेरिया, इनके द्वारा ऑथर किया बुक का टाइटल है टिल वी विन, ये बुक है कोविड-19 के ऊपर। अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा ऑथर किया बुक का टाइटल है वाहना मास्टर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन दी ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप 2021 इंडियन वुमेन टीम विंस विश मेडल। जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप 2021 का था इसमें इंडियन वुमेन टीम ने जीता है कौन सा मेडल। आपके ऑप्शन है गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर। जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप 2021 का जो कि कायरो इजिप्ट में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए, कायरो इजिप्ट में। इंडियन वुमेन टीम जो थी ट्रियो कृति गुप्ता, मनीषा खीर और राजेश्वरी कुमारी, इन तीनों को मिला है सिल्वर मेडल इस इवेंट पे। जो शॉटगन टूर्नामेंट था वो आपका डिसिप्लिन ऑफ ट्रैप शूटिंग और स्किट शूटिंग के लिए हुआ था। वुमेन ट्रैप टीम ने जीता है सिल्वर मेडल, उन्होंने डिफीट किया था रशिया को
इनको डिफीट किया था रसिया ने फाइनल राउंड पे, और मेन स्किट टीम के विनर जो है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जो इंडियन ट्रायल जो थे महराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा और गोजात खांगरा से, जिनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था मेन स्किट टीम इवेंट में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप इन कायरो पे। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, इसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर लिसिन है, हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी पे है। रशिया को इस इवेंट में थोड़ा सा गोल्ड मेडल मिला है, जबकि चेक रिपब्लिक को सिल्वर मेडल। ओवरऑल स्टैंडिंग में रशिया टॉप कर रहा है ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग में 9 मेडल के साथ। उसके बाद क्रोशिया एंड स्पेन है। इंडिया ने फिनिश किया है 7th पोजीशन पर 2 मेडल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द 14 मेंबर इंडिया रेसलिंग कॉन्टिजेंट बैक इन हाउ मेनी मेडल एट द मोटेरो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज 2021 हेल्ड एट रोम इटली। जो 14 मेंबर इंडियन रेसलिंग कॉन्टिजेंट था उनको कौन सा मेडल, कितना मेडल मिला है मेटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज 2021 का, जो कि रोम इटली में हुआ था। उसमें आपके ऑप्शन है 5 मेडल, ऑप्शन बी 7 मेडल, ऑप्शन सी 8 मेडल, ऑप्शन डी 9 ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8 मेडल। जो 14 मेंबर इंडियन रेसलिंग कॉन्टिनेंट है उनको 8 मेडल मिला है, 2 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेटेको पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज 2021 में, जो कि रोम इटली पे हुआ था। ये जो सीरीज था कंडक्ट किया गया था कैटेगरी ऑफ फ्री स्टाइल ग्रेको रोमन और वुमेन रेसलिंग के कैटेगरी पे। 26 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। अब विनर कैटेगरी पर जो मेडल है हम इसको देखेंगे, तो बजरंग पुनिया मेंस 65 केजी फ्री स्टाइल में उनको गोल्ड मेडल मिला, विनेश फोगट वुमेन 53 केजी गोल्ड, सरिता मोर वुमेन कैटेगरी 57 केजी सिल्वर मेडल, विशाल करीमाना मेंस 70 केजी फ्री स्टाइल ब्रॉन्ज मेडल, नीरज मेन कैटेगरी 63 केजी ग्रेको रोमन ब्रॉन्ज मेडल, कुलदीप मलिक मेन कैटेगरी 72 केजी ब्रॉन्ज मेडल, नवीन मेन 130 केजी ब्रॉन्ज मेडल, अर्जुन हलाकुरी मेन 55 केजी कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, नादा डिसिप्लिनरी पैनल इम्पोज सैंक्शन ऑन होम फॉर वायलेटिंग कोड। नादा के डिसिप्लिनरी पैनल ने सैंक्शन लगाया किनके ऊपर वायलेट करने के लिए कोड को नादा का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वेटलिफ्टर माधवन आर, ऑप्शन बी बॉक्सर रुचिका, ऑप्शन सी बोट ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइडर ए नॉर्बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोट ए एंड बी। डिसिप्लिनरी पैनल जो था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नादा का, उसने सैंक्शन लगाया है माधवन आर वेटलिफ्टर के ऊपर और रुचिका बॉक्सर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने वायलेट किया है नादा के कोड को, यूज किया है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का। एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल ADDP ने बैन किया माधवन आर को और रुचिका को। माधवन को 4 साल के लिए और रुचिका को 2 साल के लिए बैन किया गया है। माधवन आर को टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस फेंटेरिन के लिए और मेफेंटेरिन के लिए, जबकि रुचिका को पॉजिटिव पाया गया है फोलेटसेमाइड के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो नादा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को स्पोर्ट्स के लिए सारे फॉर्म पे भारत में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, इसके CEO नवीन अग्रवाल है। फाउंड किया गया था 24 नवंबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, रशिया एंड विच कंट्री पार्टनर टू सेटअप इंटरनेशनल लूनर साइंटिफिक रिसर्च इंस्ट्रक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रशिया और किस कंट्री ने पार्टनरशिप किया है ताकि वो सेटअप कर सके इंटरनेशनल लूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन को। आपके ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी US, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है चाइना। रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA के साथ, ताकि वो जॉइंटली क्रिएट कर सके इंटरनेशनल लूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन को, जो कि बिल्ड किया जाएगा लूनर सरफेस पे और लूनर ऑर्बिट पे। इस प्रोजेक्ट के लिए जेंग कैजन जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के चीफ डिमित्री रोग्रेसन के साथ। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन लॉन्च किया गया था 1998 में, डेवलप किया गया था 5 स्पेस एजेंसी के द्वारा, कौन कौन, नासा, रोस्कोस्मोस, जक्सा जापान का, ESA यूरोपियन यूनियन का और CSA कनाडा का। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA के एडमिनिस्ट्रेटर जेंग केजान है, हेडक्वार्टर का बीजिंग चाइना पे है। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। इंडिया का PM नरेंद्र मोदी, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी, कैपिटल न्यू दिल्ली। US के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन, कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी US डॉलर। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का। आइवोरी कोस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंटेड होम एज इज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। आइवोरी कोस्ट के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है किनको इनके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। आपके ऑप्शन है पैट्रिक आकी, ऑप्शन बी एलेसन ओटारा, ऑप्शन सी हेमेड बकायोको, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.